तो यह नेक बैंड उन लोगों को बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए जिनको चाहिए सबसे तगड़ी। तो आज हमारे पास है वन प्लस बुलेट G2 एंड ट्रस्ट मी गाइस यह नेक बैंड काफी मस्त होने वाली है आप सभी के लिए। बट कुछ कुछ पॉइंट में ये बिल्कुल बेकार है भाई। ये सब कुछ रिव्यू करूंगा और आप सभी को बताऊंगा क्या आपके लिए यह नेक बैंड परफेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक ना। वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना और इस वीडियो को स्किप कर इसको बाय करोगे ना भाई तो आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, सच में बता रहा हूँ। बस आप वीडियो एंड तक जरूर से देखना और डिसाइड करना आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए इस वन प्लस बुलेट G2 को, ठीक ना। लेट्स गो। सो ये रहा हमारा नेक बैंड की बॉक्स जो कि टिपिकल रेड एंड वाइट कलर में मिल जाते हैं और इसकी प्राइस आप सभी को 2,299 रुपीस लिखा है, बट ये आपको मिल जाएगी 1,500, 1,700, 2,000 के करीब, ठीक ना दोस्तों। और जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं भाई हाउ इट इज़, ठीक ना। तो भाई बिल्कुल अनबॉक्सिंग काफ़ी प्रीमियम लगती है, देख सकते हो कितनी अच्छे से पैकेजिंग की गई है और स्पेशली इसकी जेज ग्रीन कलर भाई काफ़ी सुंदर लग रहा है यार लिटरली। और इसकी क्वालिटी मेरे को छू रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी वायर्स की क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है और ये एक्चुअली अच्छे क्वालिटी की लग रहे हैं यार, प्रीमियम तो है नो डाउट। और देख सकते हो यहाँ रेड केबल क्लब कार्ड मिल जाती है स्पेशल, ठीक है ना, और यूजर मैनुअल मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा है, इसे ज्ञान भी ले सकते हो दोस्तों। और USB A to C केबल मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छा है हमारी नेक बैंड के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाएंगे ताकि हमारा ईयर के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर पाएँ। और ये रहा हमारी गैजेट्स। तो इस नेक बैंड को देख सकते हो गाइस, इसकी बिल्ड एंड डिजाइन वगैरह काफी मस्त प्रीमियम लगती है। इसमें जो ये रबड़ देख सकते हो, ये रबड़ काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसकी जो वायर्स वगैरह देख सकते हो भाई बिल्कुल रबड़ की मिलने को मिल जाती है, लेकिन इसमें एक अलग सी टेक्सचर है जो कि काफी प्रीमियम फील कराती है। और इसकी स्पेशल जेज ग्रीन कलर, सच में बता रहा हूँ भाई काफी प्रीमियम लगता है। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह, इसकी प्लास्टिक जो यूज की गई है गाइस, इसमें काफी प्रीमियम क्वालिटी की यूज की गई है। इसमें बिल्ड एंड डिजाइन लुक से बिल्कुल आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने पड़ेगी। इसके लेफ्ट वाले में देख सकते हो LED इंडिकेटर मिल जाएगी, प्लस माइनस वॉल्यूम रोकर्स और सेंटर बटन जो कि प्ले पॉज और मल्टीफंक्शनल बटन है, सर्व कुछ बताऊंगा गाइस इस वीडियो में, ठीक ना। और इसके साइड में देख सकते हो टाइप सी पोर्ट, और ये जो टाइप सी पोर्ट है क्विक चार्ज सपोर्ट करते हैं दोस्तों। 10 मिनट चार्ज करोगे तो 20 आवर्स की प्ले टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं भाई, सच बता रहा हूँ। और इसमें आप सभी को 200 mAh की बैटरी मिलती है जो टोटल प्ले टाइम आपको 30 आवर्स क्लेम करता है, बट मेरे यूसेज के हिसाब से ठीक ना 24-25 आवर इजीली ये प्रोवाइड कर देते हैं भाई, ये जो 80 से 70% की वॉल्यूम पे, ठीक ना। और भाई साहब इसकी कनेक्टिविटी ना इतना फास्ट है ना क्या ही बताऊं यार, इसमें ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है विथ फास्ट पेयर। ये जो मैग्नेटिक इसमें पावर ऑन ऑफ आती है दोस्तों, ठीक ना। अब ये जो नेक बैंड देख रहे हो ना दोस्तों, इस नेक बैंड को इस टाइप से चिपका दोगे ना इस टाइप से तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और जैसे ही इसको ऑन करना है तो बस इसको आप कान में डालो, ये बिल्कुल कान में पहनने से पहले कनेक्ट हो जाए रहती है भाई, लास्ट जिस भी डिवाइस से पेयर रहेगा उससे, ठीक है ना। तो ये मेरे को इसकी कनेक्टिविटी वगैरह काफी फास्ट लगी। इसमें आपको 12.4 mm की टाइटेनियम ड्राइवर मिल जाती है एंड ट्रस्ट मी भाई इसकी साउंड क्वालिटी ना मैं लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई, 1500 में इतने अच्छे साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली इसकी बेस, इसमें बेस इतनी अच्छी मिलती है ना भाई साहब दिल खुश हो जाएगी, ट्रस्ट मी बता रहा हूँ। और स्पेशली इसकी लाउड भी काफी लाउड है, और इवन फुल साउंड में आपको बिल्कुल क्लियर साउंड प्रोवाइड करता है भाई, इसकी बेस बिल्कुल पसंद आएगी, गुड क्वालिटी की बेस प्रोवाइड करता है ये, बिल्कुल भी फुल साउंड में डिस्टोर्शन वगैरह बिल्कुल नहीं लगता भाई, आपको कंफर्टेबल वगैरह में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें 3 ईयर टिप्स मिल जाते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो आप अपने ईयर के हिसाब से कोई सा भी ईयर टिप्स चेंज भी कर सकते हो। इसमें नॉइस कैंसिलिंग वगैरह नहीं मिलता, लेकिन AI कॉल नॉइस कैंसिलेशन मिलता है जो कि कॉल के लिए यूज होता है, तो इसको आप पब्लिक में नॉर्मल यूज करोगे ना दोस्तों तो पब्लिक में इसको
बिल्कुल भी आपको पब्लिक की आवाज परेशान नहीं करेगी गाइस। इसकी इसकी फिटिंग वैसा की गई है इस नेक बैंड की, ठीक ना। और जो कॉल क्वालिटी की बात करें तो इसकी कॉल क्वालिटी भी मेरे को अच्छी लगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नॉइस वगैरह थोड़ी मोड़ी पब्लिक में कॉल में आ सकती है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सिलेक्ट करना भाई प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो इसमें गेमिंग मोड नहीं मिलते है यार, 2000 खर्च करने वाले हो सोचो और इसमें गेमिंग मोड नहीं मिलते है। वन प्लस की कुछ कुछ डिवाइसों में ये 94 ms तक की लेटेंसी दिला सकते है। और कोडेक की बात करें तो AAC और SBC दोनों कोडेक सपोर्ट करता है, बट इसमें गेमिंग मोड नहीं मिलती है। 94 ms वो भी वन प्लस की कुछ ही डिवाइसों में सपोर्ट करता है और अदर डिवाइसों में तो ये बिल्कुल लैगी लगता है भाई गेमिंग वगैरह में। तो इस प्रोडक्ट को गेमिंग के लिए बाय करना बिल्कुल बेवकूफी होगी, इसलिए आप इस प्रोडक्ट को गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी बाय मत करना। और बात करूं इसमें गेमिंग मोड नहीं है तो जो वीडियो वॉचिंग वगैरह एक्सपीरियंस कैसी है, तो भाई साहब वीडियो वॉचिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती है यार। मैं अपने सैमसंग के साथ यूज करता हूँ, लैपटॉप में यूज करता हूँ, तो मेरे को वीडियो वॉचिंग में तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन गेमिंग में ट्राई किया हूँ भाई थोड़ा दिक्कत होता है, वो भी वन प्लस के कुछ सिलेक्टेड डिवाइसों में 94 ms की लेटेंसी प्रोवाइड करता है, जो कि कंपटीशन के हिसाब से मेरे काफी कम है भाई। आजकल 1500-1000 के अराउंड की ईयरबड्स वगैरह में 50-40 ms तक की लो लेटेंसी मिल जाती है, मिलते हैं कि नहीं आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। सिंगल क्लिक से प्ले और पोज होता है और डबल क्लिक से होती है म्यूजिक नेक्स्ट जो कि देख सकते हो, और ट्रिपल क्लिक से होता है प्रीवियस म्यूजिक ओके। और इसकी प्लस माइनस वगैरह देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है गाइस। तो ओवरऑल इसकी जो बटन्स वगैरह है काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, आपको बटन्स वगैरह से कोई सी भी शिकायत नहीं होने वाली है। फाइनल वर्डिक्ट आती है दोस्तों, इस नेकबैंड को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियमनेस बिल्कुल आपको परफेक्ट लगेगी दोस्तों, बट एक ही चीज है जो इसको डिनाई करती है आप सभी को बाय करने से, वो है इसका गेमिंग मोड नहीं होना, ठीक ना। तो अगर आप नॉर्मल कैजुअल हल्का फुल्का गेमिंग करते हो तो बाय कर सकते हो, डेफिनेटली कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सिर्फ आप गेमिंग के लिए इस नेकबैंड को जाना चाहते हो ना दोस्तों, तो बिल्कुल मत जाना, मेरा बस यही रिकमेंड रहेगी। गेमिंग के लिए बस बाय मत करना, बाकी अदर चीज के लिए डेफिनेटली बाय कर सकते हो भाई, वन ऑफ द बेस्ट नेकबैंड है।